हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉली और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन पुलाव और इसे हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में, क्योंकि प्रेशर कुकर में ये झटपट से बनके तैयार भी हो जाएगी और इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चिकन पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ 300 ग्राम के करीब चिकन लिया है और ये बोनलेस चिकन है और इसे हम अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद में हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दही। तो मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच के करीब दही लिया है। तो चलिए अब इसको हम इसमें डाल देते हैं। 1/4 छोटा चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और 1 छोटा चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच के करीब हम इसमें नमक डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब चिकन मसाला और 1 बड़ा चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे किचन किंग मसाला। इससे हमारा जो पुलाव है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। सारे मसाले मिलाने के बाद में हम इसमें आखिर में डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लगभग हम 2 बड़े चम्मच के करीब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी हम चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद में हम इसको ढक देंगे और ढक के हम इसको फ्रिज में कम से कम आधे घंटे के लिए रख देंगे, ताकि जितने भी हमने इसमें मसाले डाले हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और मसालों का इसमें फ्लेवर भी आ जाएगा। इसके बाद में हम चावल लेंगे। तो मैंने यहाँ कोलम राइस का यूज़ किया है, आप चाहें तो बासमती राइस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चावलों को कम से कम हम 4 से 5 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे और धोने के बाद में हम इसको भीगने देंगे। तो चलिए अब इसको हम ढक देते हैं और इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद में हम गैस पर एक कुकर रखेंगे और उसमें हम डालेंगे कम से कम 2 बड़े चम्मच के करीब तेल। तेल को हम गर्म होने देंगे और उसके बाद में हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो हम इसमें डालेंगे 1 तेज़पत्ता और 1 इंच के करीब हम दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 5 लौंग और 1/2 छोटा चम्मच के करीब हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। तो इसे तेल में हम हल्का सा भून लेंगे, ताकि जो मसाले हैं उनका अच्छे से फ्लेवर इसमें आ जाएगा। अब इसके बाद में हम इसमें प्याज डालेंगे। तो मैंने 1 बड़ी साइज़ की प्याज ली है और इसको मैंने लंबे टुकड़ों में काट लिया है। तो इसको भी हम डाल देते हैं और प्याज को हम गुलाबी होने तक भूनेंगे। तो जब प्याज भुन जाएगी इसके बाद में हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो मैंने 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है जिसको कि बड़े टुकड़ों में काट लिया है और 2 हम हरी मिर्च लेंगे, इसको भी हम तोड़ के डाल देंगे। अब टमाटर को भी हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि हमारे टमाटर हैं वो गल नहीं जाते। तो जब टमाटर गल जाएंगे तब उसके बाद में जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था वो हम इसमें डालेंगे। और चिकन को हम प्याज और टमाटर के साथ में अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि हमने इसमें पहले से सारे मसाले डाल रखे हैं तो इसमें इस समय हमें कोई भी मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। जब चिकन अच्छे से भुन जाएगा तब इसके बाद में हम भीगे हुए चावल इसमें डाल देंगे। अब चावल को हम चिकन के साथ में कम से कम 1 से 2 मिनट तक धीमी आंच पर भून लेंगे।
तो जब चावल हमारे अच्छे से भुन जाएंगे तब इसके बाद में हम इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ मैंने कम से कम 2 कप के करीब पानी डाला है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद में हम आखिर में डाल देंगे पुदीने की कुछ पत्तियाँ। इससे पुलाव का जो फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। 1/2 छोटा चम्मच के करीब हम इसमें नमक डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और सबसे पहले हम हाई फ्लेम पे 1 सीटी लगाएंगे। उसके बाद में हम गैस की फ्लेम को सिम करके 2 सीटी लगा लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो चलिए 2 सीटियां हमारी आ चुकी हैं। अब हम कुकर को खोल के देखते हैं। तो लीजिए, हमारा जो चिकन पुलाव है वो बनके तैयार है और ये देखिए कितना खिला खिला ये बनके तैयार हुआ है। तो आप भी कुकर में एक बार चिकन पुलाव बना के ज़रूर देखिए, ये झटपट से बनके तैयार हो जाता है। तो लीजिए, चिकन पुलाव हमारा बनके तैयार है और इसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं या फिर कभी भी हल्का फुल्का कुछ खाने का मन हो तो आप इसे तुरंत बना के खा सकते हैं। तो मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।